वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी बाइक को सेल आउट कर दिया था और किन के पास गई है वो भी पता है। तो आज हम अपने लिए कुछ नया देखने के लिए जा रहे हैं और क्या देखने जा रहे हैं उसका आइडिया आपको शोरूम देख के लग जाएगा, लेकिन अभी हम फाइनल नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम दो तीन कंपनियों में जा रहे हैं जिसमें से हो सकता है हम आपको एक दिखाएं, दो दिखाएं या तीनों दिखा दें। इस शुभ काम में मेरा साथ देने वाला है नवनीत भाई, जो कि अपने हॉस्पिटल की पूरी जॉब वॉब करके आ चुका है, रात की ड्यूटी करी है, मतलब कि मेरे चक्कर में कि दिन में मेरे साथ चल सके तो इसलिए रात को ड्यूटी करके आया और अभी तक सोया नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, बस अभी फटाफट नारायणा पहुंच जाएंगे। सारे शोरूम तो वहीं पे ही हैं, एक से एक दीवार लगते हैं तो वहीं पे सारे मिलते हैं। चलो फटाफट, उसके बाद फिर हमें जाना है जयेश पाजी के पास भी, तो मिलवाते हैं आज फिर इसी ब्लॉग में आप जयेश पाजी से। बने रहिए इसी वीडियो में, है कि नहीं है भाई? मैं तो Tells me a shithead. All of a sudden, you're the first to come. तो भाई अभी हम गए थे ट्रैम्प पे और बाइक अच्छी है नो डाउट, बट कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है कि ना मेरे लिए बच्ची सी बाइक है ना। मतलब कि छोटा सा वो लग रहा था, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, टैंक जो आगे से होता है, वो छोटा लग रहा था। लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा था हमें। लेकिन है ना, एक बार BMW भी जाके देख लेते हैं। तो अभी चलते हैं BMW और वहां जाके चेक करते हैं। तो भाई ये है वो शोरूम BMW का, बिल्कुल नियर बाय, मतलब कि मेरे को एक मिनट भी नहीं लगा वो वहां पे था। यहाँ पे नियर बाय सारे बहुत सारे शोरूम है, जैसे कि ऊपर रेड लाइन स्टोर है अपने एक भाई का और नीचे है ये BMW लुटियंस मोटर। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं बाइक अपनी, जो हमें चाहिए वो तो है नहीं अवेलेबल, बाकी फिर भी ट्राई करते हैं। तो भाई ना यहाँ से निकल लिए हम और अभी बाइक है ही नहीं, तो इसलिए हमने कुछ शूट ही नहीं करा। जो बाइक चाहिए थे हमें वो उसको शूट ही नहीं कर पा रहे थे हम, और अभी हमें प्राइस भी नहीं, मतलब कंफर्म तो हो गया है कि ये प्राइस है, लेकिन एक्चुअली जो आती है ना उसके बाद ही पता चलता है कि क्या सामान आ रहा है, कुछ आपको लगवाना ही पड़ेगा तो क्या है। तो वो टोटल एस्टिमेट निकाल के देख रहे हैं कि हम तीनों बाइकों में से जो हमें चाहिए, मतलब कि अफ्रीका ट्विन में से या फिर ट्रायम्फ में से या फिर BMW में से जो भी चाहिएगी, उसके बाद हम फाइनल करेंगे। लेकिन अभी यहाँ से निकलनी है, बाइक आएगी एक हफ्ते के बाद, तब यहाँ पे आके राउंड मार लेंगे, तभी बुकिंग करा लेंगे जैसा भी होगा। क्यों भाई क्या कहता है, चलें अब जयेश पाजी के पास चलते हैं। जयेश पाजी का फोन आ चुका है, खाना पूछ रहे थे कि भाई मंगवा ले टाइम पे आ रहे हो, तो हमने बोला नहीं जी हम तो लेट आएंगे। तो कोई बात नहीं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं फिर जयेश पाजी के ऑफिस पे। तो भाई ये वाला एक साइलेंसर है और एक ये है, ये है एक, ये भी है एंड दिस वन ऑल्सो, ये रही। चलो तो ये मेरे को पादी को देनी थी, ये रह गया था, ये चीजें रह गई थी। चलो बराबर चलते हैं अभी, लाओ एनर्जी लाओ हमारे में। तो भाई हम आ चुके थे पाजी के पास, ये देखो सबसे हैप्पी हैप्पी सिंह हो गए मेरा नाम भाई, अभी जेएस पाजी नहीं है, हैप्पी सिंह हो गए, हैप्पी पाजी हो गए। और ना फाइनली है ना मेरे डूडू को ले लिया, डूडू को 100% ले लिया। इसका भी नामकरण नहीं हुआ है, पता नहीं वो जो डिसाइड करेगा। हमारा दिल तो आज भी परी पे है, जैसी भी है, बट परी परी है, कितनी बार धोखा देगी, कितनी बार जिंदगी से निकल गई, बट फिर भी जब मैं अपने चैनल पे इसको दिखाने वाला ना, ऑडियंस की राय ली जाएगी, बिकॉज दिस इज फॉर द ऑडियंस, बिकॉज उनको चाहिए था ग्रीन कलर। तो मेरे को तो वैसे वो डाक वाला भी समझ आ रहा था, बट मैंने पोल लिया था, सबने बोला कि भाई ग्रीन वाली और यही वाली टेनर हमें चाहिए। इसमें लगाया क्या क्या वो तो दिखा दो भाई। देखो थोड़ा खर्चा भी हो चुका है, एग्जॉस्ट चेंज यहाँ पे एक्सल का हो चुका है, ये रेस फिट वाला लुक देता है, बिल्कुल शॉर्ट कैन है, बहुत बढ़िया सा है। साथ में थोड़ा सा यहाँ पे भी जो प्यूक का ना, ये अपग्रेड कर दिया मैंने, बेसिकली फ्रेम स्लाइडर सेम लगा हुआ था बट उसको थोड़ा सा एनहेंस कर दिया। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे लीवर प्रोटेक्टर लग चुके हैं, लीवर की यहाँ पे ग्रिप लग चुकी है, मोबाइल होल्डर लग चुका है जो कि बहुत ही बढ़िया है, ये मैंने लिया मोटो किंग से। और सबसे इम्पोर्टेंटली पीछे का टेल राइडी देखो, ये चेंज हो चुका है एंड वी गॉट द न्यू शूज, सो यहाँ पे ब्रांड न्यू, आप देख रहे हो अभी स्टिकर भी नहीं उतरा है, दीज आर फ्रॉम रेडिस्टाइन, जिसके साथ में 3 ईयर वारंटी मिलती है। सो ये है पीछे के लिए एंड ये है आगे के लिए, और वैसे जरूरत नहीं थी, मतलब बाइक के टायर अभी भी ना चलने वाली कंडीशन में है। इट इज जस्ट दैट कि जो उसका डिजाइन है ना, जो ग्रिप है, दैट इज मोर फॉर टूरिंग, बट मेरे को अब स्पोर्ट्स बाइक है तो ट्रैक पे चलानी है, सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड। बस और एक ये भी लगा है, ओ हाँ इसको भूल गया आप, ये भूल गया, लुक निकल के आ रही पूरी, लगभग 12,500 रुपए तो सिर्फ इसकी लुक निकालने में, इस बबल को उठाने में, स्टिकर भी नहीं निकाले, तभी नहीं निकाला ना भाई, तभी नहीं निकाला। तो अभी ये काम हो गए,
बट अपग्रेड्स में बहुत लंबी लिस्ट है, इसकी टेल चेंज होने वाली है, ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उसमें क्या इंडिकेटर भी आ जाते हैं, तो ये वाले इंडिकेटर को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। साथ में उसमें एक रिले लगता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो स्ट्रोब करता है वो, ऐसे ऐसे जब ब्लिंक करता है, बहुत बढ़िया लगता है वो। तो भाई मैं पर्सनली ना अपनी बाइक को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे भी एक है ना, एक और खुशखबरी है, एक बाइक बुक हो चुकी है। वो कौन सी बाइक है वो पता चलेगा यहीं पे खड़ी करके एक दिन दिखाएंगे आप लोगों को। 100% बट यार गुड चॉइस भाई, सच बता रहा हूँ, वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि ना उसके साथ में तू ये मोटरसाइकिल जर्नी जो है ना उसको और अच्छा से एक्सपीरियंस करेगा और एक्सप्लोर करेगा इस ब्यूटीफुल कंट्री। पाजी राइड पे तो लेके चलो पक्का, ये तो अब दोस्ती बन गई और गहरी हो गई, कहने का मतलब एक साल से अब रिश्ते गहरे हो गए ना भाई। देखो इनके घर से कुछ हमारे यहाँ पर आया ना, तो अब ये रिलेशन अलग लेवल पे हो चुका है ना, हमने भी संभाल के रखना है जैसे इसने प्यार से रखी थी वैसे। पाजी ने बोला मेरे को जितना तू पहले चलाता था बाइक को उतना चला सकता, मतलब कि जितना पक्का पक्का, कभी कभी बीच बीच में जितना भी चलाता था पहले महीने दो तीन महीने जब मिल रहे हैं, चाहे वो रोड ट्रिप है, चाहे वो संडे राइड्स हैं, या कभी ओकेजनली जब मिल रहे हैं, सो दिस इज एट योर डिस्पोजल, चलाओ एंजॉय करो। चलो भाई बड़ा अच्छा लगा बाइक को दोबारा से देख के, थोड़े दिन बाद फिर रोड पे निकलेंगे, फिर चेंज करके चलाएंगे, फिर मजा आएगा, है ना भाजी? बिल्कुल भाई बिल्कुल, वो वैरायटी हो गई ना, यू कैन प्ले विद डिफरेंट थिंग्स, जिस दिन ज्यादा जवान फील हो रही है, एनर्जी ज्यादा है, उस दिन इस पे आ जाओ, उस दिन इस पे, और बाकी दिन उस पे आ जाओ, बट कंडीशन अप्लाई है कि एनर्जी में जोश में होश नहीं होना, समझ गए, मैच्योरिटी के साथ चलानी है। तो पाजी मेरे को आवाज तो सुना दो, इसके ऊपर इतना पैसा आपने लगा दिया है। अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया, पैसा शोर मचाता है, बताना भी तो पड़ता है, बंदे शोर सुनाना भी तो आता है। यस मिलते हैं आपको फिर कभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, आबाद रहो, घूमते रहो, क्या पता कल होना हो, बाय, टेक केयर।